हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक और प्लांट से मिला जिसका नाम है गोल्डन डस्ट क्रोटन। ये क्रोटन की ही एक वैरायटी है जिसको गोल्डन डस्ट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन डस्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स देखें, इसमें ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं और इसमें ये गोल्डन कलर के छोटे छोटे से डॉट्स हैं, इसलिए इसको गोल्डन डस्ट बोला जाता है। फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसको इंडोर भी उगाया जा सकता है और इसको बाहर भी उगाया जा सकता है। और इस प्लांट को अभी जैसे सर्दियां आ गई हैं तो इस प्लांट की जो केयर है वो बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में ये जो प्लांट है ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसको ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो इसके जो लीव्स हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और जो पौधा है वो धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे और उसमें से जो स्टिक्स ही नज़र आएंगी। इसलिए सर्दियों में इस प्लांट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दियों में इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती इसको मिलती रहे। और जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जैसे ये अभी जनवरी मंथ होगा जिसमें धूप भी नहीं आती है, तो इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें यहाँ पे इसको ज़्यादा ठंड ना पड़े। इसको या तो अंदर रख दें या फिर प्लांट्स के बीच में छुपा के रख दें ताकि इसको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो इसके लिए जैसे अभी सर्दियों में ग्रीन नेट लगा सकते हैं जिससे इसको जो सर्दी है वो ज़्यादा इस पर ना पड़े। ये जो प्लांट है ये इसको जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसको 3 पार्ट में मारना चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी का होना चाहिए, एक हिस्सा उसमें जो सैंड होती है वो मिला लें, और एक हिस्सा उसमें बर्मी कंपोस्ट और आपकी गोबर की जो खाद है वो मिला लें, और उसमें ये जो प्लांट है इसको रिपोर्ट करना चाहिए। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको जो इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मीन्स ज़्यादा सूखी सूखी नहीं रहनी चाहिए, उसमें मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो ये जो प्लांट है जो इसको अच्छा लगता है। उसमें आपने जब भी पानी देना है इस प्लांट को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से भी ये जो प्लांट है इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और पौधे के जो लीव्स हैं वो येलो येलो के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और पौधा आपका धीरे धीरे सारा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको जो पानी है वो जब भी आप इसको पानी दें तो चेक करके पानी दें कि इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा नीचे से सोगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट होनी चाहिए। इसमें जैसे अगर खाद की बात की जाए तो खाद इसमें आप साल में इसको 2 बार देनी है। एक तो ये फरवरी में खाद दे दे और एक सितंबर में इसको खाद दे दे। तो इसको अगर आप लिक्विड खाद देंगे, वो जो गोबर की लिक्विड खाद होती है वो दे दें, तो इसको वो खाद इसके लिए बहुत अच्छी है। और इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स वो है इसमें वो जो छोटे छोटे मिली बग्स होते हैं, ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे से मिली बग्स होते हैं, ये जो इसके लीव्स के पीछे चिपक जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा है तो आपको पानी लेना है, पानी की बोतल में थोड़ा सा नीम ऑयल डालना है और थोड़ा सा आपको जैसे वो आपका बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है वो थोड़ी सी उसकी ड्रॉप्स डाल के एक घोल तैयार करके इसके ऊपर ऐसे स्प्रे करना है कि वो उतर निकल जाएं, वो जो पीछे चिपके होते हैं ना वो निकल जाएं। और अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो मिली बग्स हैं इसके जो पत्ते हैं नीचे से वो जैसे वो लगे होते हैं तो पत्ते इसके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, पौधा धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है पौधा। इसलिए इसमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे जो मेन जो इसकी प्रॉब्लम होती है वो मिली बग्स की होती है। तो उस वो आपके प्लांट में वो मिली बग्स की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप ऐसा करो, हर वीक इसमें वो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, तो उससे क्या होता है कि वो जो मिली बग्स की प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं आएगी।
और फ्रेंड्स, जैसे गर्मियों में इस प्लांट की केयर के लिए इसको ऐसी जगह रखना है, इसको यहाँ पे इसको हल्का हल्का सा मतलब मॉइस्चर इसको मिलता रहे और ड्राई ना रहे ये पौधा। पानी ज़्यादा भी नहीं देना है और इसको ऐसी जगह रखें जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके बीच रख देना चाहिए, ताकि इसको जैसे इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे। और अगर अगर इसकी लाइट की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसको वैसे इंडोर भी रखा जाता है, लेकिन इंडोर भी ऐसी जगह रखना चाहिए इसको, यहाँ पे प्रॉपर थोड़ी सी धूप आती रहे या फिर ब्राइट लाइट आती रहे, तो ये पौधा अच्छे से चलता है। ज़्यादा धूप में भी ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, ज़्यादा धूप में ये पौधे के जो लीव्स हैं वो ऐसे जलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको प्रॉपर सुबह की जा तो हल्की फुल्की धूप आती रहे छन के, जहाँ पे शाम की आती रहे, या फिर इनडायरेक्ट जो ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। बस फ्रेंड्स, इतना ही इस प्लांट के लिए। अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और प्लांट की बात करूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।